जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। बदलती लाइफ स्टाइल, भागता दौड़ता जीवन, गलत खान पान, गलत तरीके, घूमना फिरना नहीं, व्यायाम नहीं, योग नहीं, ये सारी चीज़ें हमें क्या दे रही है? ये सारी चीज़ें दे रही है 50 वर्ष की आयु तक आते आते डायबिटीज़ की बीमारी, मधुमेह की बीमारी। जी हाँ दोस्तों, आज लगभग हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो चुका है। शुगर, डायबिटीज, मधुमेह। तो डायबिटीज आजकल आम बीमारियों में से एक मानी जाती है और इसका यदि सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। डायबिटीज को शरीर के कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जड़ माना जाता है, यानी कि डायबिटीज दूसरी कई बीमारियों की वजह बन जाती है। इंसुलिन की असंतुलित मात्रा आपके मोटापे को बढ़ाती है, मोटापा आपके हृदय रोगों को बढ़ाने में सहायता करता है। हालांकि यह बात सही है कि मधुमेह की बीमारी को जड़ से कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को एक बार मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो गई है, वो उसे जिंदगी भर ही उसे सहन करनी होगी, वहन करनी होगी। लेकिन सही इलाज से, सही तरीके से आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, मधुमेह को नियंत्रित करके, मधुमेह को कंट्रोल करके। तो डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के लिए कई दवाएं उपलब्ध हैं, रेमेडीज उपलब्ध हैं, सभी पैथी में, आयुर्वेद में, एलियोपैथ में, होम्योपैथ में भी है। इसके अलावा घरेलू उपायों के द्वारा भी आप मधुमेह को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, यह वीडियो जानकारी के लिए है। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, मधुमेह से ग्रसित है, यदि डॉक्टर की कोई दवा चल रही है तो उसे डॉक्टर की दवा को बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप होम रेमेडीज शुरू कर दें और डॉक्टर की दवा को बंद कर दें। हाँ, कुछ होम रेमेडीज हैं जो काफ़ी प्रभावशाली है, इफ़ेक्टिव है। विशेषज्ञ भी आपको ऐसे घरेलू उपायों के बारे में सुझाव देंगे। तो आज इस वीडियो में हम ऐसा ही एक जबरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, एक जबरदस्त चीज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसे पनीर के फूल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में पाया जाने वाला यह पौधा, जिसे पनीर का फूल या फिर पनीर डोडा, इंडियन रेनेट के नाम से भी जाना जाता है, यह पौधा अपने औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण डायबिटीज से लड़ने के लिए विशेष रूप से माना जाता है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के लिए पनीर का फूल क्या है और ये कैसे डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं पनीर के फूल के बारे में। पनीर का फूल सोलानसियाए परिवार का एक फूल माना जाता है। ये फूल मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इस फूल को कई आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद और सुगंध दोनों ही अच्छी नहीं है, यानी कि इसका स्वाद आपको अच्छा नहीं लगने वाला है, इसकी सुगंध आपको अच्छी नहीं लगने वाली है, और शायद इसीलिए यह डायबिटीज़ को नियंत्रण करने में कार्य करता है। इस फूल के और भी कई फायदे हैं। पनीर के फूल अस्थमा को दूर करने के लिए भी काम में लिए जाते हैं। पनीर के फूल में शामक और मूत्रवर्धक गुण होते हैं। डायबिटीज़ के अलावा ये अनिद्रा, घबराहट और अस्थमा से लड़ने में भी मदद करता है। अब आपको बताते हैं कि ये फूल, जिसे हम पनीर का फूल कहते हैं, ये डायबिटीज़ को रोकने में कैसे मदद करता है। जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार पनीर का फूल शरीर में इंसुलिन के बेहतर उपयोग के लिए आपके शरीर में मौजूद अग्नाशय, जैसे कि पैनक्रियाज कहा जाता है, अग्नाशय के बीटा सेल को हील करने का काम करता है। अगर पनीर के फूल को सही मात्रा में रोजाना लिया जाए तो ये आपके इंसुलिन की मात्रा को संतुलित करने में काफ़ी मदद करता है। हालांकि अगर आप इसका सेवन शुरू कर रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बिस्किट, मिठाई, प्रोसेस फूड, ऐसे खाने आपको नहीं खाने। वैसे भी डॉक्टर के द्वारा मना किया हुआ होगा, आपको कुछ मीठा तो खाना ही नहीं है,
इसके साथ ही आपको कुछ योग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और संतुलित आहार लेकर आप अपनी डायबिटीज को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसे उपयोग में लेने का तरीका क्या है यह भी आपको बता देते हैं। इसका उपयोग करना बेहद आसान है। रोजाना रात को सोने से पहले आपको 10-12 फूल पनीर के फूल लेने हैं और इसे एक कांच के गिलास में आपको डालकर पूरी रात भिगो देना है पानी में, यानी कि कांच का गिलास लेना है, पानी भर देना है, 10-12 फूल इसमें डाल देना है, पूरी रात के लिए इसे छोड़ देना है। सुबह खाली पेट, भूखे पेट आपको इस पानी को छान कर पी जाना है। बस बेहद ही आसान तरीका है। संतुलित आहार लीजिए। पनीर के फूल की मदद से आप निश्चित तौर पर इंसुलिन लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। अब समस्या यह है कि पनीर का फूल हम लाए कहाँ से, तो चलिए यह भी आपको बता देते हैं। पनीर का फूल यदि आपको चाहिए तो आप अपने शहर के किसी भी किराने की दुकान पर, परचूनी की दुकान पर, जहाँ से आप अपने किराने का सामान लेते हैं, वहाँ आप पूछ सकते हैं उससे कि क्या आपके पास पनीर के फूल हैं, तो वहाँ आपको मिल सकता है। किसी मेडिकल स्टोर पर, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर भी आपको यह मिल सकता है। और यदि आपको अपने स्थानीय बाज़ार में पनीर का फूल नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन बाज़ार से भी पनीर का फूल खरीद सकते हैं, जिसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं, वहाँ से भी आप पनीर के फूल को खरीद सकते हैं। बेहद आसान उपयोगी तरीका है डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए। तो आप भी इस नुस्खे को, इस होम रेमेडीज़ को अपना सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप दवा ले रहे हैं और साथ में पनीर के फूलों को भी ले रहे हैं तो आप अपनी शुगर लेवल को नियमित रूप से जांच करना ना भूलें। यदि पनीर के फूल से काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आपको मिल रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह के बाद अपनी दवा को कम कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद, अपनी मर्जी से नहीं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर क्या होगा, सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस लाल बटन पर आपको क्लिक करना है या फिर टच करना है यदि आप मोबाइल से देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको घंटी के बटन पर भी टच करना है या फिर क्लिक करना है। बस हो गया सब्सक्राइब। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।